सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एवरेज इंसान हर दिन अपने फोन को करीब 2600 बार टच करता है। एक रिसर्च के मुताबिक 2020 से इंडियंस का स्क्रीन टाइम 6.9 आवर्स हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि लोग हर दिन अपने फोन पर इतना समय स्पेंड करते हैं। स्क्रीन टाइम के बढ़ने की शुरुआत असल में 2016 से हुई थी, जब भारत में जियो कंपनी ने सस्ते दामों में इंटरनेट लॉन्च किया था। कम पैसों में इंटरनेट मिलने की वजह से ज्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वह मोबाइल फोन के एडिक्ट हो गए। इस एडिक्शन को बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एवरेज इंसान हर दिन करीब 2 घंटे इंस्टाग्राम पर स्पेंड करता है। इससे न सिर्फ टाइम वेस्ट होता है बल्कि मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। पिछले ही साल यानी 2023 में फेसबुक के खिलाफ कई सारी रिपोर्ट्स दर्ज की गई थी। उन सभी रिपोर्ट्स में एक प्राइमरी प्रॉब्लम को मेंशन किया गया था, सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन के चांसेस बढ़ना। अब आप में से भी कई लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे और ऐसा करने में आपको बहुत अच्छा भी फील होता होगा। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सिर्फ फोटोज और वीडियोस देखने से आपको डिप्रेशन कैसे हो सकता है। इसका जवाब है ब्रेन हैकिंग। सोशल मीडिया को ऑपरेट करने के पीछे सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि कई सारे साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंस डॉक्टर्स भी हैं। वह सोशल मीडिया को इस तरह से डिजाइन करने में मदद करते हैं जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा समय उनके ऐप पर बिताएं। वह लिटरली आपके ब्रेन और उसमें मौजूद हार्मोन्स को हैक करने का काम करते हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। अब आखिर यह हैकिंग होती कैसे है और कैसे आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बिजनेस ऑफ एप्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप इंस्टाग्राम था। इसे करीब 7 करोड़ लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया था। हैरानी वाली बात तो ये है कि यह मोस्ट डाउनलोडेड ऐप होने के साथ साथ मोस्ट डिलीटेड ऐप भी था, यानी इसे सबसे ज्यादा लोगों ने अपने फोन से डिलीट भी किया था। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वैज्ञानिक बताते हैं कि सोशल मीडिया इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हमें इसकी लत लग जाती है। यह एडिक्शन ही इंस्टाग्राम के सबसे ज्यादा डाउनलोडेड और डिलीटेड ऐप होने का कारण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया एडिक्शन को ड्रग एडिक्शन और गेमलिंग एडिक्शन से कंपेयर किया जाता है। जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में वही केमिकल रिलीज होते हैं जो ड्रग्स लेते वक्त और जुआ खेलते वक्त होते हैं। यह सुनने में भले ही थोड़ा नकली लग सकता है लेकिन यह साइंटिफिकली प्रूवन है। जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। कई वर्षों तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि डोपामाइन एक प्लेजर केमिकल होता है, यानी इसके रिलीज होने से हमें अच्छा फील होता है। लेकिन मॉडर्न स्टडीज के मुताबिक डोपामाइन असल में एक एंटीसिपेटरी केमिकल है। यह तब रिलीज होता है जब किसी अच्छी चीज होने की संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आपका बर्थडे करीब आता है वैसे वैसे आपकी एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। आपका दिमाग यह प्रिडिक्ट करने लगता है कि बर्थडे के दिन आपके साथ क्या क्या अच्छी चीजें होंगी। उन चीजों को इमेजिन करते वक्त ही आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ऊपर ऊपर से सुनने पर यह भले ही हार्मफुल ना लगे लेकिन आज की दुनिया में ज्यादा डोपामाइन का होना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है और उनमें से ज्यादातर चीजों के लिए मेहनत और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको एक डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले स्कूल पास आउट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज में करीब 5 साल की स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद आपको हायर स्टडीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। करीब 10 साल की टोटल मेहनत के बाद आप फाइनली एक काबिल डॉक्टर बन पाएंगे। यानी अगर आप आज मेहनत करना शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 10 साल बाद मिलेगा और तभी डोपामाइन और इंडोरफिन्स जैसे केमिकल रिलीज होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडोरफिन्स उन केमिकल्स को कहा जाता है जिनके रिलीज होने पर हमें अच्छा फील होता है। जब भी आप अपने मनपसंद गाने को सुनते हैं, अपने मनपसंद खाने को खाते हैं या फिर अपने मनपसंद गेम को खेलते हैं तो आपके दिमाग में इंडोरफिन्स रिलीज होते हैं। इंडोरफिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। अगर इन्हें दिमाग से हटा दिया जाए तो हमारी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी और किसी भी काम को करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यही एंडोरफिन्स सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर भी रिलीज होते हैं। जिन एंडोरफिन्स के लिए एक नॉर्मल इंसान को 10 साल की मेहनत करनी पड़ती है, वहीं एक सोशल मीडिया यूज करने वाला इंसान इन्हें मात्र कुछ मिनटों में फील कर सकता है। यही कारण है कि आज की यंग जनरेशन अपने गोल्स पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान दे रही है। हमारा शरीर इस तरह से विकसित हुआ है कि यह ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है। अगर आप मात्र 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाकर उन केमिकल्स को फील कर सकते हैं
जिन्हें नॉर्मली अचीव करने में 5 से 10 साल का समय लगता है। तो सीधी सी बात है कि आपका शरीर ऐसे कामों को करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। डोपामाइन की वजह से आने वाली एक्साइटमेंट ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। थोड़ी देर सोशल मीडिया यूज करने के बाद जब आप उसे बंद करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन क्रैश होता है। अचानक से डोपामाइन की कमी होने की वजह से आप दुखी और डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। पहले वाली हैप्पीनेस को वापस पाने के लिए आपका दिमाग दोबारा से सोशल मीडिया ओपन करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही आप सोशल मीडिया को दोबारा यूज करते हैं, आप वापस से खुश फील करने लगते हैं और आपका दिमाग इस पैटर्न को बार बार रिपीट करने लगता है। इसी पैटर्न को एडिक्शन कहा जाता है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि समय बीतने के साथ साथ आपके दिमाग में डोपामाइन के लेवल्स कम होने लगते हैं। उन्हें वापस बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा सोशल मीडिया चलाने की आदत पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही ड्रग्स के केस में भी होता है। जब कोई इंसान ड्रग्स लेना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे बहुत कम मात्रा से सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह सेटिस्फेक्शन कम होने लगती है। उसे वापस बढ़ाने के लिए वह ड्रग्स को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने लगता है और यह साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ड्रग्स की बड़ी मात्रा लेने से इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया के साथ ऐसा नहीं है। यह डोपामाइन का एक ऐसा सोर्स है जिसमें कोई भी नोटिसेबल हार्म नहीं होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में की गई स्टडीज में ये बात पता चला है कि सोशल मीडिया यंग लोगों में होने वाले डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है। एलन मस्क ने जो रोगन के पॉडकास्ट में यह मेंशन किया था कि सोशल मीडिया आपको कंपैरिजन करने पर मजबूर कर देता है। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, ऐसे लोगों से जो आपसे बहुत आगे हैं। मस्क के मुताबिक लोग इंटरनेट पर अपनी प्रॉब्लम्स या कमियों को नहीं बल्कि सफलताओं और अच्छाइयों को शेयर करते हैं। जब उन चीजों से आप अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आपकी लाइफ बेकार है। वह बताते हैं कि यही कारण है कि उनके फोन में इंस्टाग्राम जैसा कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है। आपको डिप्रेस्ड बनाने के साथ साथ सोशल मीडिया आपकी अटेंशन चुराने का भी काम करता है। इंस्टाग्राम की सिर्फ एक नोटिफिकेशन आने पर आप उसे ओपन कर लेते हैं और रील्स स्क्रॉल करते करते घंटों बिता देते हैं। इन सोशल मीडिया ऐप्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यूजर्स इन्हें छोड़कर ना जा पाएं। एक रील के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, यह सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। हमारे दिमाग में अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए नॉर एपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन होता है। जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो इस हार्मोन की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। यही कारण है कि फोन का इस्तेमाल करते वक्त लोग उसमें इतना घुस जाते हैं कि उन्हें अपने आसपास की चीजों का अंदाजा ही नहीं रहता। सोशल मीडिया से पहले ऐसी अटेंशन को अचीव करने के लिए डीप वर्क की जरूरत पड़ा करती थी। यही कारण है कि पिछली सदी में हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे दिग्गज वैज्ञानिक देखने को मिले थे, लेकिन इस सदी में अभी तक ऐसा कोई भी वैज्ञानिक सामने नहीं आया है। आज ज्यादातर यंग लोग सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के मेन गोल को ही साइड में कर दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को हिला देने वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मात्र 26 साल की उम्र में पब्लिश की थी। वहीं आज एक एवरेज 26 साल का इंसान इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करके अपना समय बर्बाद कर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 24 घंटे में से 10 घंटे सोने में स्पेंड करते थे। उनके मुताबिक इससे उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर बढ़ती थी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आज लोगों की स्लीप साइकिल भी बिगड़ती जा रही है। रात के समय सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम का केमिकल ब्लॉक हो जाता है। यह वही केमिकल है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। नींद ना पूरी होने की वजह से लोगों में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और उनके एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हैं। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सोने से एक घंटे पहले फोन ऑफ करने की आदत डालनी होगी। अगर किसी वजह से आप फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो आप सेटिंग्स में जाकर ग्रे स्केल नाम के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। इससे फोन से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है और मेलाटोनिन की प्रोडक्शन ब्लॉक नहीं होती। आज जहां आधी से ज्यादा दुनिया सोशल मीडिया की एडिक्ट हो चुकी है, वहीं आप इस एडिक्शन को तोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कई सारे साइकोलॉजिकल तरीके हैं जिनसे सोशल मीडिया की एडिक्शन को हटाया जा सकता है, जैसे टाइम ब्लॉकिंग। आप में से कई लोगों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना काफी जरूरी हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप टाइम ब्लॉकिंग नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सबसे पहले एलन मस्क ने ही फेमस किया था और इसे यूज करना बहुत ही आसान है। टाइम ब्लॉकिंग में आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के टाइम को ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम में ही इसे यूज करते हैं और अपने आप को बार बार फोन चेक करने से बचाते हैं। कई लोग इस टेक्निक को प्लैंड टाइम वेस्टिंग भी कहते हैं। जब आप दिन में एक ऐसे टाइम को फिक्स कर देते हैं जिसमें आप समय बर्बाद कर सकें, तो आपका दिमाग बहुत रिलैक्स्ड फील करता है। इस टाइम वेस्टिंग पीरियड में आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग एक टाइम वेस्ट है। डिलीशन और ब्लॉकिंग।
अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप सोशल मीडिया को डिलीट या ब्लॉक भी कर सकते हैं। जब आपके फोन में कोई सोशल मीडिया ऐप ही नहीं होगा तो आप उसे बार बार ओपन भी नहीं कर पाएंगे। अब कई लोग ऐसे होंगे जो प्ले स्टोर पर बार बार जाकर सोशल मीडिया ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। इस केस में आप ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे ऐप होते हैं जो किसी दूसरे ऐप्स को ब्लॉक करने में मदद करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक कर देंगे तो आप कुछ भी कर लें उन्हें ओपन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप वर्क रिवॉर्ड मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अपने कामों को कंप्लीट करने के साथ साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे दिमाग ऐसी चीजों के पीछे दौड़ता है जिनमें कोई रिवॉर्ड या सरप्राइज छुपा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा करने से दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। आप अपने लिए एक ऐसे सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं जिसमें काम करने का रिवॉर्ड सोशल मीडिया यूज करना हो, जैसे एक घंटे की पढ़ाई के बाद 10 मिनट इंस्टाग्राम यूज करना। इससे आपका दिमाग पढ़ाई करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा और आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन भी नहीं होगी। डूइंग थिंग्स दैट यू लाइक फॉलोइंग योर हॉबीज। सोशल मीडिया एडिक्शन को छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसी चीजें करना जो आपको खुशी देती हैं। हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट और हॉबीज होती हैं और उन हॉबीज को फॉलो करके आप सोशल मीडिया एडिक्शन को आसानी से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय पेंटिंग करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंत में अगर आप चाहें तो उस पेंटिंग की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। इससे आप अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो कर पाएंगे और सोशल मीडिया से दूरी भी बनाकर रख पाएंगे। आपने ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो अपनी हॉबीज को फॉलो करते करते बहुत बड़े सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, जैसे टैग बर्नर, जिन्हें बचपन से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था और आज उनके चैनल पर 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, या सौरभ जोशी जो एक आर्टिस्ट हैं और आज उनके ब्लॉगिंग चैनल पर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप रिसर्च टीवी इंडिया चैनल को भी देख सकते हैं जिन्होंने मीडिया में काम किया और अपनी हॉबी को सोशल मीडिया के थ्रू सबके सामने लेकर आए। आज उनके चैनल पर 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने पैशन को दुनिया के साथ शेयर किया और कुछ ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। आज सैकड़ों वैज्ञानिकों की टीम्स आपको सोशल मीडिया का एडिक्ट बनाने पर तुली हुई है। अगर आप अपने आप को इस ट्रैप से नहीं बचाएंगे तो आपके समय के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती जाएगी। आज के समय में सोशल मीडिया से बचना ड्रग्स और अल्कोहल जैसी चीजों से बचने के बराबर है। वैसे क्या आप किसी सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।